गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज क्लास. टुडे यस्टरडे वी हैव रेड द लेसन एंड आई एक्सप्लेन टू यू लेसन नंबर 13. कितने कब हुए? Isn't it? Have you read the lesson? I hope you all have read the lesson and written meanings in English. Shabdat you would have written in classwork. Isn't it? Today we will the remaining exercise of lesson number 13, kitne kab hue. Kathin shabd, repeat after me. Kathin shabd. Chaturai, chaturai. प्रसन्न प्रसन्न. अटपटा अटपटा अटपटा. इंतजार इंतजार. भव्वे भव्वे. रिश्तेदार रिश्तेदार. अफसोस अफसोस. कौवे कौवे. कौवो कौवो. दरबार दरबार. बिल्कुल बिल्कुल. गणना गणना. दिस ऑल एडवर्ब्स राइट इन योर क्लास वर्क टू टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स यू राइट? टू टाइम्स. वन दिस साइड लेफ्ट साइड वन राइट साइड ऑफ द पेज. द सेम पेज बोथ एंड यू राइट. Once again, I will read it. Repeat after me or repeat with me. Chaturai, Prasan, Atpata, Intajar, Bhavve, Rishtedar, Rishtedar, Afsos, Afsos, Kauve, कौवे कौवो कौवो. दरबार दरबार. बिल्कुल बिल्कुल. गणना गणना. आफ्टर दिस विल डू क्वेश्चन आंसर. प्रश्नों के उत्तर लिखो. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. प्रश्नों के उत्तर लिखो. रिपीट आफ्टर मी. राजा का नाम क्या था? राजा का नाम क्या था? राजा का नाम कृष्णदेव था. राजा का नाम कृष्णदेव था. राजा का नाम क्या था? राजा का नाम कृष्णदेव था. सेकंड क्वेश्चन. राजा की भौहें क्यों तन गई?
राजा की भौहें क्यों तन गई? भौहें मीन्स आईब्रोज। तेनाली राम ने कौवों की संख्या में कम या ज्यादा होने की बात बताई, इस कारण राजा के भौवे तन गई। राजा की भौवे क्यों तन गई? तेनालीराम ने कौवों की संख्या में कम या ज्यादा होने की बात बताई, इस कारण राजा की भौवे तन गई। तेनालीराम ने कौवों की संख्या में कम या ज्यादा होने की बात बताई, इस कारण राजा की भौवे तन गई। थर्ड क्वेश्चन, महाराज कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या प्रश्न किया? महाराज कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या प्रश्न किया? महाराज ने तेनालीराम से उनके राज्य में कौवों की संख्या के बारे में पूछा। महाराज ने तेनालीराम से उनके राज्य में कौवे की संख्या के बारे में पूछा। महाराज ने तेनालीराम से उनके राज्यों में कौवे की संख्या के बारे में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू ऑल रिपीटिंग विथ मी? तेनालीराम ने कौवों की संख्या कितनी बताई? क्वेश्चन फोर, तेनालीराम ने कौवों की संख्या कितनी बताई? उत्तर, तेनालीराम ने कौवों की संख्या 170,504 बताई। तेनालीराम ने कौवों की संख्या 170,504 बताई। तेनालीराम ने कौवों की संख्या 170,504 बताई। क्वेश्चन फाइव, दोबारा गिनने पर कौवों की संख्या किस प्रकार बढ़ सकती है? दोबारा गिनने पर कौवों की संख्या किस प्रकार बढ़ सकती है? यदि दूसरे राज्य के कौवे हमारे राज्य में मिलने आए तो कौवों की संख्या बढ़ सकती है। यदि दूसरे राज्य के कौवे हमारे राज्य में मिलने आए तो कौवों की संख्या बढ़ सकती है। नेक्स्ट, सो दिस क्वेश्चंस यू हैव टू राइट इट इन योर CW एंड लर्न इट। ओके, नाउ नेक्स्ट बिट, कहानी के अनुसार वाक्यों की सही क्रम संख्या लिखें। कहानी के अनुसार
वाक्यों की सही क्रम संख्या लिखें। Write the correct order of the sentences according to story. मेरी गणना बिल्कुल सही है, महाराज। यह सुनकर महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े। हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? यह सुनकर महाराज की बहुएं तन गई। 170,504। You have read the lesson now, so you can easily know which sentence will come first and which sentence will come next. Yes, which one is the first? हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? First sentence will be third one. हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? Then which one will come second? Search. Yes, first one. मेरी गणना बिल्कुल सही है, महाराज। मेरी गणना बिल्कुल सही है, महाराज। थर्ड वन, 170,504। 170,504. This will be the third sentence. Fifth one will be third sentence. After that, which will come? यह सुनकर महाराज की बहुएं तन गई। फोर्थ वन विल बी फोर्थ ओनली। यह सुनकर महाराज की बहुएं तन गई। लास्ट वन विल बी यह सुनकर महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े। यह सुनकर महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े। So, which one will be the first? Third one will be the first. First one will be second. Fifth one will be third. Fourth one will be fourth. And second one will be fifth. Okay. This also write in CW. वाक्यों की सही विराम, नेक्स्ट बिट, वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाएं। मार्क द करेक्ट पंक्चुएशन। राजा ने तेनालीराम से अटपटा सा सवाल किया। यस, फुल सिंगल लाइन विल बी देयर punctuation, okay, full stop. तेनाली राम, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? Question mark, asking question, so question mark. तेनाली राम, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? मेरी गणना बिल्कुल सही है, महाराज। मेरी गणना बिल्कुल सही है, महाराज। लाइन विद अ डॉट के पंक्चुएशन व्हेन वी लर्न इट विल बी मोर क्लियर। यू हैव नॉट लर्न, next class you will learn punctuation. In that time, for sentences, normal sentence, full stop, and for questions asked, question mark. Just now you remember that much only.
बताओ तो हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? बताओ तो हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? दिस इज क्वेश्चन, सो आस्किंग क्वेश्चन, सो क्वेश्चन मार्क। दरबारी भी मन अनमने से हंसती, फुल स्टॉप। ओके चिल्ड्रन, दिस आल्सो यू हैव टू राइट इट इन योर CW। नेक्स्ट बिट, सही शब्दों से वाक्यों की पूर्ति करें। की से ने का पर के को, वी हैव टू यूज दिस अल्फाबेट्स एंड मेक करेक्ट सेंटेंस। एक दिन राजा ने, व्हाट विल कम इन द डैश, ने तेनाली राम से सवाल किया। एक दिन राजा ने तेनाली राम से सवाल किया। दरबार में सब लोग तेनाली राम का इंतजार करने लगे। इन डैश में एंड का वेलकम। यस, हियर इन दी दिस दरबार में और दरबार के, दरबार में और दरबार के बोथ कैन कम। सब लोग का इंतजार करने लगे। थर्ड वन, तेनाली राम के आते ही महाराज ने पूछा, व्हाट विल कम के एंड ने। तेनाली राम के आते ही महाराज ने पूछा, क्या कौवों की गिनती हो गई? क्या कौवों की गिनती हो गई? व्हाट विल बिकम, व्हाट विल कम इन द डैश की। दरबार दोबारा गिनती करवाने पर संख्या कम या अधिक हो सकती है। दोबारा गिनती करवाने पर संख्या कम या अधिक हो सकती है। व्हाट विल कम इन द डैश पर, सो दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट इट इन योर CW। सो विद दिस वी विल एंड अवर क्लास। चिल्ड्रन यू हैव नो नीड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग इन वन डे, ओनली वन बिट इन वन डे एंड लर्न इट। ओके, टुडे यू कैन राइट हार्ड वर्ड्स एंड वन और टू क्वेश्चन। ओके, मंडे यू कैन राइट हार्ड वर्ड एंड वन और टू क्वेश्चन एंड लर्न इट। टुमारो ट्यूजडे यू कैन राइट रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर एंड लर्न इट। ओके, देन ट्यूजडे क्वेश्चन आंसर एंड लर्न इट। वेनेसडे
यू कैन राइट कहानी के अनुसार वाक्यों की सही क्रम संख्या लिखे. दिस यू कैन राइट एंड रीड द लेसन एंड देन राइट इट. सो यू कैन डू इट करेक्टली. दिस यू डू इट ऑन वेडनेसडे. थर्सडे वाक्यों में वाक्यों से सही विराम चिन्ह लगाए. दिस वन यू कैन डू इट ऑन थर्सडे. थर्सडे दैट वन एंड दिस कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट वर्ड. सही शब्दों में से वाक्य पूर्ति करें. दिस ऑल्सो यू कैन कंप्लीट इट ऑन थर्सडे एंड लर्न इट. ओके चिल्ड्रन, विद दिस वी एंड द क्लास. चिल्ड्रन डेली डू योर वर्क, अदरवाइज इट विल बी बर्डन टू डू ऑल टूगेदर. ओके डेली वॉट एवर आई से डू डेली. It will be easy for you to write and learn. Have a nice day, children. Thank you.